सो सॉरी आरवी, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। मैं ठीक हूँ एपी, इनफैक्ट इस वक्त मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। तुमने मेरी साइड ली, मेरा साथ दिया, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और उस चौकी से भी लड़ गई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए हैप्पी। इससे ज्यादा मैं और खुश नहीं मांग सकता हैप्पी। और तुम्हें पाने के लिए मैं ये छोट क्या कुछ भी सहने को तैयार हूं। अब सब ठीक हो जाएगा हैप्पी। सर आपके लिए पार्सल। ये तुम्हारे लिए हैप्पी। इस रंग में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी और मेरा मन है कि आज हमारी शादी के दिन तुम ये पहनो। थैंक यू आरवी। तुम्हें इस ड्रेस में मेरी दुल्हन बनते देखना है मुझे अभी। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूं। मैं बाकी की तैयारियां करके आता हूं। I'll see you soon। तो इसमें टेस्टवे बहाने की कौन सी बात है? इतने दिनों में पहली बार आपकी लड़की ने कोई कायदे का फैसला लिया है। जब वो इस फैसले से खुश है, हम सब खुश हैं, तो आप भी खुश रहिए। रॉकी, तू कहाँ था? खाना खा ले, चल अस्पताल भी जाना है। क्या हुआ पुत्र? रॉकी को तो मैंने हैप्पी को रोकने भेजा था। मधु रहन दे पुत्र, उन्हें थोड़ी देर कल्ला ही छोड़ दे। उन्हें भी शायद पता लग गया है कि हैप्पी आरवी नाल ब्याह करने वाली है। तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्र कर रब दा, उस मरजानी हैप्पी नाल पीछा छूटा। मैं आरवी से शादी कर रही हूँ, वो मेरे होने वाले पति है। क्यों किया तूने मेरे साथ ये? क्यों किया? क्यों? हैप्पी मर जाऊंगा मैं तेरे बिना। मैं तुझे उसके साथ नहीं देख सकता, किसी के साथ नहीं देख सकता हैप्पी। तेरे मेरे बीच में प्यार नहीं था, तो वो क्या था? वो सब झूठ था, सब झूठ था, सब झूठ था, सब नहीं रोएगी तो हैप्पी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू ये शादी क्यों कर रही है। इस शादी का होना बहुत जरूरी है तेरे लिए, बहुत जरूरी।
मुझे तू प्यार करती है हैप्पी, जो तेरे दिल के करीब है, उनको बचाने के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी सलामती के लिए तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी हैप्पी। तो और भी सब कुछ तबाह कर देगा, सबको मार देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। हर एक इंसान को मार देगा जिससे तुम प्यार करते हो। ऐसा कैसे हो सकता? मैं आरवी को इतने सालों से जानती हूँ, मैं उन पे ऐसे कैसे शक कर सकती हूँ? आरवी ऐसा नहीं कर सकते। और अनाया, अनाया को तो मैं इतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। क्या पता अनाया और आरवी का झगड़ा हुआ हो और इसीलिए अनाया ने उनसे बदला लेने के लिए उन पे इल्जाम लगा दिया हो। मैं ऐसे सिर्फ एक तरफा कहानी सुन के आरवी को क्रिमिनल नहीं मान सकती। मुझे आरवी से बात करनी पड़ेगी। ये तो वही बंदा है जो उस दिन रॉकी को गोली मारने आया था। मतलब बनाया कि हर बात सच है। उन्होंने आरवी के बारे में जो कहा था वो सब सच है। अगर आज फ्री हो तो लंच के लिए चलें? आज तो मैं थोड़ी बिजी हूँ, नहीं मिल पाऊंगी। मैं आपसे फिर कभी मिलती हूँ प्लीज। नो प्रॉब्लम है। किस मिट्टी के बने हो तुम आरवी? मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना सब कुछ करके तुम इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो? आई हेट यू आरवी, आई हेट यू। आपका कल्प्रिट आपके सामने है, हैप्पी इनोसेंट है। सानिया का बदला लेने के लिए मैंने हैप्पी को फंसाया। अनाया ने जो कुछ कहा तुम्हारे बारे में वो सब सही था आरवी। मुझे पता है तुमने भाटिया को कोई झांसा देके फंसा है मुझे देश छोड़ के जाने से रोकने के लिए। आई एम सॉरी रॉकी, आई एम सो सॉरी। पापा जी आज मेरी वजह से कोमा में है और तुम सबको मेरी वजह से जान का खतरा है। जो भी आरवी के रास्ते में आएगा वो उसे बख्शेगा नहीं। मैं तेरी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती रॉकी, मुझे माफ कर देना प्लीज। मेरे पास आरवी को रोकने का बस अब एक ही तरीका है। आरवी, मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी में प्यार नहीं, वो गलत है। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं जो कर रही हूँ मम्मी वो हम सबके लिए जरूरी है। I'm sorry. तुम्हारी असलियत मैं अच्छे से जानती हूँ आरवी। तुम क्या हो और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम हमेशा से जानते थे कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन पे अटैक किया। तुमने ये सच्चाई छुपाई मुझसे ताकि तुम उससे बचा सको। मेरे रॉकी को फंसाया और अपने भाई की जान लेके तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुमने खुद को बचाया मेरी नजरों में ताकि तुम मेरी नजरों में ना गिर सको, तुम मुझे पा सको। तुम जैसे हैवान को शांत करने के लिए यही तरीका है बचा है मेरे पास। मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा तुम्हें कि तुम अपने खेल में जीत गए हो आरवी, तुम अपने खेल में जीत गए। इसके लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी, अपना प्यार, सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ आरवी। सबको लगेगा इस घर से मेरी टोली उठ रही है, पर सच तो ये कि आज इस घर से मेरी अर्थी उठेगी आरवी, अर्थी तुम्हारी वजह से। तुम मुझे पाना चाहते थे ना आरवी, पर जब
मैं ही नहीं रहूंगी तो क्या करोगे तुम? मैं ही खत्म हो जाऊंगी तो तुम्हारी हैवानियत किस काम की? आज मेरा अंत तुम्हारी तबाही, तुम्हारा अंत और तुम्हारा अंजाम है आरवी, तुम्हारा अंजाम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।